डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रोंकोडायलेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस जो सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हम पहले देखेंगे जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ब्रोंकोडायलेटर्स हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा ये जो ब्रोंकियोल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, मीन्स उसका ल्यूमिन छोटा पड़ गया होता है, जिसकी वजह से वो हमारे एयर को रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उसकी वजह से हमें वीजिंग साउंड आता है सांस लेने में। मींस जो हमारा ब्रीथिंग साउंड होता है वो ब्रीदिंग के टाइम हमारे को वीजिंग सी आती है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्टेड ब्रोंकियोल्स। अब हम उसको ठीक करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, मींस हमें वो दवाइयाँ लेते हैं जो कि हमारे ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेंगे। उसमें से भी हमने कल देखा कि ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारा सिंपैथोमिमेटिक है, मिथाइल ज़ैंथिनस होता है दूसरा ग्रुप, और थर्ड ग्रुप इज़ द एंटी कॉलिनर्जिक्स। हम आज देखेंगे कि सिंपैथोमिमेटिक्स जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सिंपैथोमिमेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल है, लाइक वी हैव सोलब्यूटामोल, सोलब्यूटामोल या टर्ब्यूटालिन। हम इसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये कैसे अपना काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोलब्यूटामोल और सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। जैसे कि ये जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दे एक्ट लाइक सिंपैथेटिक सिस्टम मींस ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जिस तरह हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का रोल है, दैट इज़ बिकॉज बीटा टू रिसेप्टर्स जो होते हैं, इसमें जो ये बीटा टू रिसेप्टर्स के थ्रू काम दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दे कॉज बीटा टू रिसेप्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडायलेशन और रिलैक्सेशन। बीटा टू रिसेप्टर्स काज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। बीटा टू रिसेप्टर्स काज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब हम देखेंगे कि जो ये कैसे हमारे बीटा टू रिसेप्टर्स की तरह कैसे बीटा टू एगोनिस्ट्स एक्शन दिखाते हैं हमारे सेल्स में। ये जो बीटा टू एगोनिस्ट्स होते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट्स क्या करते हैं, दे कॉज एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, मीन्स ये एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज करते हैं, जिससे क्या होता है, विच कैटलाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ विच कैटलाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP, मीन्स ये एडिनाइल साइक्लेज के को एक्टिवेट करते हैं बाय कपलिंग विद जी प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कैटलाइज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP, मीन्स साइक्लिक AMP की ये प्रोडक्शन को कैटलाइज करते हैं। और साइक्लिक AMP जो होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ये जो साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन बढ़ाना, दैट इज साइक्लिक AMP जो होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जब साइक्लिक AMP की लेवल्स बढ़ जाती है, इट कॉजेज रिलैक्सेशन इन आवर स्मूथ मसल्स। लंग्स में क्या करते हैं ये साइक्लिक AMP? साइक्लिक AMP काजेज
साइक्लिक एएमपी कॉजेस डिक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स। मीन्स ये जो साइक्लिक एएमपी जो होता है, जो कि अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, कॉजेज डिक्रीज इन द इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स। मीन्स उसी इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स कम हो जाती है, जो कि रिलैक्सेशन की ओर टेंड कराता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट स्टूम, ये जब हम ये बीटा टू रिसेप्टर्स को स्टूमुलेट करते हैं, इट डिक्रीजेस द फंक्शंस ऑफ और इनहिबिट्स द फंक्शंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इट डिक्रीजेस द फंक्शंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक वी हैव मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। मीन्स ये मास सेल्स की फंक्शन को इनहिबिट करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इन्फ्लेमेशन प्रोडक्शन। मीन्स हमारे ये जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उसमें क्या होता है, दैट स्टार्ट्स विद द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ये उसकी इन्फ्लेमेशन को भी, इन्फ्लेमेटरी फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। मीन्स मास सेल्स के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक यूजफुल इफेक्ट दिखाते हैं इनके सब ब्रोंकियल अस्थमा। अब इसके, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स सिंपथेटिक बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा टू रिसेप्टर्स, बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट। एडवर्स इफेक्ट्स में देखा गया है कि इट इंक्लूड्स मसल ट्रिमर्स, पाल्पिटेशन एंड नर्वसनेस। Means muscle tremors, palpitation and nervousness. These are the adverse effects associated with the beta 2 receptor agonists. ये जो beta 2 receptors agonists होते हैं, ये अपना peak effect दिखाते हैं। They show their peak effect in 10 minutes. And their effect action lasts for 6 hours. Peak effect दिखाते हैं 10 मिनट में और action lasts for 6 hours. और ये जो बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट्स होते हैं, they are available in metered dose inhalers. मीटर डोज इनहेलर्स लाइक वी हैव नेबुलाइजर्स में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, या स्पेसर्स होते हैं जिसमें ये यूजफुल रहते हैं फॉर देयर इफेक्ट इन एज ब्रोंकोडायलेटर्स। दिस वॉज अबाउट बीटा टू एगोनिस्ट्स। बाकी के जो है, लाइक वी हैव मिथाइल ज़ैंथिन्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।